आप देख रहे हैं एसके न्यूज। उत्तर प्रदेश सरावस्ती जिले में पुलिस अधीक्षक विजय ढुल के निर्देशन चलाए जा रहे अभियान के क्रम में स्पेशल टीम द्वारा दो ऑटो लिफ्टर गिरोह को दो बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसका खुलासा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ASP पी रमा ने किया। मामला 2 अप्रैल का है, जब स्पेशल टीम को मुखबिर के सूचना मिलने पर ग्राम असनहरिया के पास पंकज कुमार जायसवाल पुत्र बरसाती जायसवाल निवासी कुरखेपुर डिहुआ थाना गिलोला स्प्लेंडर पिरो UP 46E 092 से वे बलिराम यादव पुत्र मोहनलाल यादव निवासी टेपरा थाना मल्लीपुर बजाज पल्सर UP 40A 7150 चोरी कर नेपाल राष्ट्र बेचने के लिए जाते समय उनकी घेराबंदी कर स्पेशल टीम ने उन्हें दो बाइकों के साथ धरपकड़ दबोचा। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को उत्साहवर्धन हेतु 1000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सरावस्ती से हमारे संवाददाता इसरार अहमद की खास रिपोर्ट। को एक सूचना मिली कि मल्लीपुर क्षेत्र में जमुना के नज़दीक कुछ लोग हैं जो बाइक लेकर के, चोरी की बाइक है उसको लेकर के नेपाल ले जाकर बेचने की फिराक में। इस सूचना पर हमारी SSCT टीम, जिसके इंचार्ज श्री DD मिश्रा इंस्पेक्टर हैं, वो अपनी टीम के साथ वहां पर गए और वहां पर चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति दिखाई दिए, जिनको रोक कर पूछताछ की गई। तो एक गिलौला का अभियुक्त है पंकज कुमार और दूसरा बलिराम यादव जो मल्लीपुर क्षेत्र के हैं, इनके पास से दो बाइकें चोरी की बरामद हुई हैं, जिसके